राम कैलाश सिंह सेवा समिति के द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आज के परिवेश में मानव समाज के लिए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन काम कितना भी बड़ा हो अगर मनुष्य ठान ले तो उसके लिए बहुत ही छोटा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर कसिया के पकवा इनार स्थित राम कैलाश सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष रत्नेश सिंह का है। कहा जाता है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। इसी बात को लेकर 27 सितम्बर को पकड़ीहुआ चौराहा पर प्रज्ञा हॉस्पिटल के सौजन्य से निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव से काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस कैंप में उपस्थित डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह एमडी के द्वारा 132 मरीजों का निशुल्क जांच कर दवा वितरित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सतीश मणि त्रिपाठी, नीतीश यादव और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा किया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से राम सकल सिंह, केशव यादव, अनुराग रंजन, विजय यादव, कमला कांत इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सेवा समिति के तत्वाधान में जो जांच शिविर का आयोजन किया गया है पकड़ीहुआ चौराहे पर, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री कैलाश सेवा समिति द्वारा स्थापित फ्री कैंप था जी, जिसमें करीब 90 मरीजों को देखा गया जी, जिसमें जांच और इलाज पूरा निःशुल्क था जी, और इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग मरीज आए जिसमें घुटने का दर्द, कमर में दर्द, इस समय वायरल फीवर चल रहा है, खांसी आ रही है, बुखार है, वायरल टाइफाइड चल रहा है, इस तरह के मरीजों को देखा गया। ये जो जांच शिविर चल रहा है, ये साल में प्रत्येक साल ये होता है कि कैसे होता है? इस तरह का आयोजन लगभग अक्सर होता रहता है, महीने में एक बार दो बार जैसा व्यवस्था होता है उस हिसाब से। क्या इसमें कोई लिमिट भी होता है क्या, इतने पेशेंटों को देखा जाना है? कोई लिमिट नहीं है, जितने मरीज आएंगे सबको देखा जाता है, सब लोग को देखा जाएगा, किसी को निराश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हम लोग काम जो कर रहे हैं सेवार्थ किया जा रहा है, सेवार्थ किया जा रहा है, इसमें हम लोग का कोई वो नहीं। ये लगभग इसका और भी क्या उद्देश्य हो सकता है, और भी कुछ बताना चाहेंगे इसके संबंध में? बस सेवा है, समाज सेवा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग पहुँचे मरीज के पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग उनके पास पहुँचे, उनकी बीमारियों को जाना जाए, सही इलाज, सही रास्ता बताया। राम कैलाश सिंह सेवा समिति है, इसके तत्वाधान में आज पकड़ीहुआ चौराहे पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरा राम कैलाश सिंह समिति मेरा एनजीओ है, ये एनजीओ मेरा पिछले 8 सालों से रजिस्टर्ड है, और इस तरह से कार्यक्रम हम जन सेवा के लिए अक्सर करते रहते हैं, और अभी तक हम गोरखपुर के तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिन हॉस्पिटल पे यहाँ से गरीब तबके के लोग पहुँच पाना और वहाँ इलाज कराना उनके लिए बड़ी कठिन चीज़ होती है। जैसे कि भी हम राजाई हॉस्पिटल से अपना टाइम रखे हुए हैं, जो वहाँ पे अभी तक हम 2000+ लोगों का कुशीनगर जिले का फ्री में निःशुल्क उनका जांच, दवा और ऑपरेशन करवाए हैं। ये आपको कैसे लगा कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए? देखिए, ये जिसके नाम से हमने एनजीओ खोला है, वो भी एक पूर्व हमारे समाज सेवी थे, हमारे नाना जी, मैं उन्हीं के नाम से एनजीओ चला था, ये सारा प्रोडक्ट सोच मुझे उन्हीं के माध्यम से मिला, और मुझे लगा कि उन्होंने भी पहले सेवा करते रहे और हमें भी लगा कि मुझे भी सेवा करना चाहिए, तो हमने इसका न्यू रखा, और इसके साथ आपका हुआ, आपके बड़े हॉस्पिटलों का नाम बता दें, जैसे सिटी हॉस्पिटल हुआ, हिंद हॉस्पिटल हुआ, ऐसे कई हॉस्पिटल जो वहाँ पे हैं, जो हम यहाँ पे उनको बुलाते हैं और गाँव में ले जाते हैं। इस तरह के शिविर में जो आप शिविर लगाते हैं, इस तरह का शिविर में किस तरह के लोग लाभान्वित होते हैं? इस हमारे शिविर में ज्यादातर लोग जो गरीब परिवार से, गरीब तबके से है, वो ज्यादा लाभान्वित, क्योंकि उनके पास ऐसा होता है पैसे है नहीं, तो हमारे माध्यम से वो कुछ भी ला सकते हैं। यूएफटी लाइव के लिए अनुराग रंजन की रिपोर्ट।